हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी, करते हैं अपने व्लॉग को यहीं से स्टार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आयजा उठ गई है। मैं रात को उसकी मतलब सॉक्स वगैरह उतार देती हूँ, तो सुबह जब उठती है तो फिर से पहना देते हैं। तो चले इसे पहनाते हैं सॉक्स और यहीं से करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। वेलकम माई न्यू व्लॉग। मौसम ठंडा हो गया, बाहर बारिश हो रही है। अच्छा है नहीं, अच्छा है नहीं, बारिश हो रही भाई। मौसम ठंडा ठंडा हो गया इसलिए आयजा को गर्म कपड़े पहनाते हैं। ये ब्लैक हाई नेक पहनानी है साथ। आई है कौन, आप लोग भी जानते हैं इसे, ये कौन है? हाँ जी, ये मुझे कह रही थी मुझे अपने व्लॉग में लेके आओ, तो इसलिए मैंने इसके लिए दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। तो बताओ मीरा, कैसी हो? ठीक हो? आपको शौक है, मतलब अच्छा लगता है व्लॉग में आना? अच्छा लगता है, फिर बातें भी ये किया करो ना। मैं क्या उड़ा रही थी? आयजा के कपड़े हैंग किए कल मैंने, सारे निकाल के इसमें हैंग किए। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखे, ये मेरी बेटी के हैंग। ये वाले जो है ये हम गए थे सांगला, जैसा कि मैंने बताया, मेरा लास्ट व्लॉग देखिएगा जाके। तो ये मेरी मामानी और आयजा की क्या लगी, नानो दादो? हाँ, नानो और दादो दोनों लगे। ये उन्होंने स्टिच किए थे आयजा के, सारी फ्रॉक्स बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। ये वाली आयजा की दादो ने की है और ये सांगले वाली आयजा की नानो दादो दोनों ही लगती है। ये उन्होंने फ्रॉकें स्टिच की हैं आयजा की, और ये जो पीछे है ये रेडीमेड है। और ये मेरे बेबी की फाइनल लुक है। और ये मेरा मुग्गा रेडी हो गया है, रेडी हो गया है। माँ चटके जाए मेरी रिश्तेदारी रे। अब इसके फुल नीनो आई हुई है, अब हम इसे सुलाते हैं। सुलाने के बाद देखते हैं क्या करना है। तो चले आयजा को पहले मैं सुला लूँ, फिर मैं ये रूम वगैरह सेट करूँगी। और ये मेरी कुछ जीन्स और ये शर्ट्स वगैरह मेरी, मैं ये ऊपर रखने जा रही हूँ अपने अटैची में। और फिर हम रूम फ्रेश करेंगे। फिर जैसा कि आपको पता है आयजा के कपड़े तो साथ साथ वॉश होते हैं, तो फिर मैं बाद में आयजा के कपड़े भी वॉश करूँगी। तो मिलती हूँ फ्री होके, थोड़ा बहुत काम वगैरह वो करके फिर मिलते हैं आपके। अच्छा, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह रोज़ा है कि नहीं है, इसी कशमकश में है, लाल कमेटी वगैरह बैठी हुई हैं। तो हमने चीज़ें भी जाना है, कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी है, रमज़ान मुबारक की तैयारियां करनी है। तो चलते हैं, आयजा को उसकी पप्पा सुला रही है, तो चले हम तो खुद भी मतलब फ्रेश होने फिर चलते हैं चीज़ें वगैरह, फिर उधर थोड़ी ग्रोसरी करते हैं रमज़ान के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर जी ये जो आयजा के कपड़े हैं ये उसकी वार्डरोब बननी है, आजकल में बन जाएगी, तो ये उसमें हैंग करूँगी। और कुछ मेरे सर्दियों के कपड़े हैं उन्हें भी ऊपर रखने जाना है, काफ़ी ज़्यादा काम है आज। तो चलें करते हैं हम काम, उससे पहले हम खुद फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं रखने जा रही हूँ ऊपर, इन्हें ऊपर रखे होते हैं, फिर आके राइस वगैरह बनाते हैं। और चलें चलते हैं अभी। हाँ चलो, आप दोनों आओ मेरी हेल्प करो। ये पकड़ो, ये मैं हूँ, ये मारा बड़ो, ये पकड़ो, ये मैं देखती हूँ। नहीं रुको, चल वो आ गई, अभी मैं। अच्छा चल, इसे भी लेके जाने दे, चल थोड़ा अभी ये आप पकड़ लो। ये सारे ना ऊपर छोटी चारपाई बिछा कर उस पर रखो, मैं आ रही हूँ और ये मैं ले जाती हूँ। चले लाइट ऑफ कर दे, ऊपर जाके कपड़े वगैरह रखती हैं। रख दो रख दो, ले बड़ी नहीं लानी भैया, आओ मेरे वाले कमरे में। ये स्टोर रूम है हमारा, पहले भी मैंने दिखाया हुआ। आओ ये सैफी, शोर नहीं करो बच्चे, लाइट ऑन कर, वो मेरा चाची है उसमें कपड़े रखने लगी हूँ। तो मैं कपड़े रख के फिर मिलती हूँ। ओए बच्चों, ये पहन, ये लेके आओ, तो फिर कबूतर देने चला। हाँ चलो, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन क्या। अच्छा तो गाइस ये हम जा रहे हैं चेज़ा, सोचो पहले कुछ खा पी लें, बहुत भूख लगी थी। तो यहाँ पे हम खाना वगैरह खा रहे हैं, खाना खा के यहीं से हम जाएंगे चेज़ा, मिलते हैं आपको चेज़ा जाकर।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी रश वगैरह हुआ है, रमज़ान मुबारक की ग्रोसरी वगैरह हो रही है, तो उनका स्टॉक भी आ रहा है, ऊपर से कस्टमर वगैरह इतने, तो काफ़ी मतलब रश वगैरह हुआ है चीज़ों में। तो हम भी करते हैं शॉपिंग वगैरह, जो समझ में आता है लेते हैं। तो चलिए आगे आगे देखते हैं क्या क्या लेना है, हमने दिखाते हैं आपको भी। तो ये हम आए हैं फ्रोज़न चीज़ों की तरफ। ये तो बार रमज़ान की वजह से इन्हें चीज़ें मतलब सस्ती करनी चाहिए, उतनी ही महंगी हुई हैं, हर चीज़ पे डबल रेट है, डबल प्राइस है, अभी से ये आलम है। अच्छा जी, खैर क्या कह सकते, पता नहीं क्या बनेगा, हमारे मौला का अल्लाह ही हाफिज़ है। समोसा पर खाते हैं, बहुत मज़े का यमी है, कस्टर्ड ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाते हैं हम। तो यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड, उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक या सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।